इस वीडियो में मैं बात करूंगा मध्यकालीन इतिहास के एक महान कवि आमिर खुसरो। आमिर खुसरो मध्यकाल के एक महान विद्वान एवं कवि थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली वर्तमान एटा नामक गांव में 1253 ईस्वी में हुआ था। सुल्तान बलबन के समय वे शासन के संपर्क में आए। उन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा। वे प्रथम भारतीय लेखक थे जिसने अपने लेखन में हिंदी के शब्दों और मुहावरों का पर्याप्त प्रयोग किया। वे मूलतः इतिहासकार नहीं थे, परंतु उनके द्वारा रचित मासनवी और दीवान तत्कालीन भारतीय इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। वे प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो पहले व्यक्ति थे जिसने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्होंने खड़ी बोली के आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने कई रागों को जन्म दिया। खुसरो ने भारत के विषय में फारसी में लिखा, गर फिरदौस बार रुइये जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अर्थात अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर अब तक आपने मेरे चैनल सिंपल पढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।